आपका स्वागत है हमारे चैनल मूवी मस्ती में। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं नसीम मूवी के फुल फैक्ट्स एंड रिव्यू और समरी, आपको स्टोरी भी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम इस वीडियो को लाइक कीजिए। नसीम 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित और निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखित है। यह एक विशिष्ट मनमोहन देसाई फिल्म है जिसमें अब अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना राय और किम मुख्य भूमिकाओं में हैं और प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, कादर खान, अमजद खान, अमरीश पुरी सहायक भूमिकाओं में हैं। साथ से जीवन की एक छोटी सकारात्मक भूमिका में है। संगीत मनमोहन देसाई के निर्मित लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है। नसीब द्वारा निर्देशित मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित मनमोहन देसाई द्वारा लिखित कादर खान, प्रयागराज, के शुक्ला, अभिनीत अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना राय, किम। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। छायांकन है जल मिस्त्री द्वारा निर्मित है। एशिया फिल्म प्रो लिमिटेड। रिलीज की तारीख है 20 मार्च 1981। कार्यकारी समय है 182 मिनट्स। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 4 करोड़। 2019 में 66 करोड़ या US में 9.2 मिलियन के बराबर। बॉक्स ऑफिस 14.5 करोड़। 2019 में ₹239 करोड़ या US में 33 मिलियन के बराबर। यह फिल्म उन दुर्भाग्य फिल्मों में से थी जिन्हें प्रति क्षेत्र 1 करोड़ को पार किया और एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। पहले केवल 23 ऑल टाइम अर्निंग फिल्म थी जो प्रति क्षेत्र में 9 करोड़ को पार करती थी, जिसमें से 7 में बच्चन के अभिनय का था, नसीब में उनके से एक था। फिल्म को बाद में तमिल में सिंदूपी 1983 के रूप में शिवाजी गणेश और प्रभु गणेश के साथ, और तेलुगु में त्रिमूर्ति 1987 के रूप में दुग्बाती विकेंटेश के साथ बनाया गया था। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक ही समय में 3 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, दोस्ताना, शान और नसीब। भाग्य और भाग्य की कहानी। नसीब की शुरुआत लॉटरी के टिकट से होती है। एक शराबी आदमी जो अपने टैब टैंग रोगों भुगतान नहीं कर सकता, वह अपना टिकट वेटर नामदेव प्राण को बचाने का फैसला करता है। नामदेव ने अपने 3 दोस्तों दामू, अमजद खान, राहू कादर खान और जग्गी जगदीश राज के साथ यह टिकट खरीदता। टिकट कौन रखता है यह तय करने के लिए अंतिम कार्ड निकालने को प्रणाली का उपयोग करते हुए जग्गी जीतता है और टिकट उसके पास रहता है। जब टिकट विजेता बन जाता है तो दामू और रघु अन्य 2 को चालू करते हैं, जग्गी की हत्या करते हैं और रामदेव को फंसाते हैं। नामदेव भाग जाता है लेकिन रघु और दामू हस्तक्षेप करते हैं और उसे एक पुल पर नदी में फेंक देते हैं। नामदेव को मृत मान लिया जाता है, हालांकि उसे डॉन अमरीश पुरी द्वारा बचाया जाता है और किसी को पता नहीं होता कि वह जीवित है।
20 साल बाद दामू और रघु अपनी चोरी में गई लॉटरी के पैसों का इस्तेमाल एक शानदार होटल बनाने और लाखों के बनाने किया, जो बहुत सफल व्यवसायी बन गए। दामू ने अपनी सबसे छोटी बेटी विक्की शत्रुघ्न सिन्हा को इंग्लैंड में स्कूल भेजने के लिए पैसों का एक हिस्सा इस्तेमाल किया। उन्हें नामदेव के सबसे बड़े बेटे जॉनी अमिताभ बच्चन को भी होटल के वेटर के रूप में विक्की से सबसे अच्छे दोस्त के रूप में नियुक्त किया गया। संयोग से या भाग्य से जॉनी और विक्की वो एक ही खूबसूरत गायिका मिस आशा हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है। जूली रीना राय विक्की के बचपन का दोस्त है जो उससे प्यार करता है, लेकिन वह उसे केवल एक दोस्त के रूप में देखता है। जब जॉनी को इस बात का पता चलता है तो वह और जूली विक्की और आशा को एक साथ लाने के लिए प्यार त्याग करते हैं। वह जॉनी के छोटे भाई सनी ऋषि कपूर को आशा की छोटी बहन किम यशपाल से प्यार हो गया है। किम और आशा जग्गी की बेटियां हैं, जिसे नामदेव की कथित तौर पर मार डाला था। रामदेव जल्द ही वापस लौटता है और दामू और रघु से बदला लेने की योजना बनाता है, जो उसे अपने बेटे जॉनी और सनी से अगल अगल कर देता है। इन सभी पत्रों का जीवन आपस में जुड़ जाता है और नसीब, प्यार, दोस्ती, त्याग, छल, बदला और सबसे ऊपर भाग्य के बारे में एक मार्किक कहानी बन जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा सनी के रूप में ऋषि कपूर, नामदेव के छोटे बेटे आशा के रूप में हेमा मालिनी, जूली के रूप में रीना रॉय, किम के रूप में किम, नामदेवी के रूप में प्राण, रघु के बड़े बेटे के रूप में प्रेम चोपड़ा, अशोक के रूप में शक्ति कपूर, रघु का बेटा छोटा बेटा रघुवीर, रघु के रूप में कादर खान, दामोदर दामू के रूप में अमजद खान, अमरीश पुरी दोनों के रूप में, जब इसको टून के बेटे के रूप में यूसुफ खान, जगदीश राज जग्गी आशा और किम के पति पिता श्रीमती गोमस, जूली की माँ के रूप में ललिता पवार, मुकारी महबूस भाई के रूप में श्री प्रेमा के रूप में शुभा खोटे, लड़के स्कूल प्राचीन जीवन प्रोफेसर प्रेम, लड़कियों के स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में कोडिकस के रूप में बीजू खोटे, मानिक इब्राहिम सिनानी के रूप में के रूप में ओम शिवपुरी। तो दोस्तों, अपनी मूवी के गीत संगीत के बारे में हम बात करते हैं, तो ये इसका जो गीत संगीत था मूवी का, वो लक्ष्मीनाथ प्यारे लाल द्वारा रचित किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा था, ये जो थे इसके गाने नसीब मूवी के। तो अब गानों की बात करते हैं, तो जान जुनी जनार्दन मोहम्मद रफी द्वारा इसे गाया गया था, बहुत ही बढ़िया गाना था ये। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मेरे पाँव लेता हूँ, ये मोहम्मद रफी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने ये मूवी के गायक थे। तो मतलब ये भी बहुत बढ़िया गाना था, हिट था ये, मतलब गाने इसके। रंग जम के जाएंगे, चक्कर चलाएंगे,
झूमे घूमे सबको घुमाए जाएंगे। तो ये दोस्तों ये गाना मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, सुरलोक सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उपा मंगेशकर ने गाया था। तो इतने सारे गायक थे एक एक गाने के। तो मतलब ये गाना आप सोच ही सकते कि कितना बढ़िया होगा। तो वैसे भी ये गाना मैं बता देता हूँ, ये बहुत बढ़िया गाना था। तो नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं। पकड़ो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, देखने देखो जाने ना पाए। तो ये गाना गाया था किशोर कुमार और उषा मंगेशकर ने। तो मतलब ये भी गाना बहुत बढ़िया था। ये गाना भी हिट रहा था क्योंकि किशोर कुमार ने गाया था। ये गाना तो हिट ही रहेगा। मेरे नसीब में लता मंगेशकर ने गाया था अपनी सुरीली आवाज में। तो ये सुरीली आवाज लता मंगेशकर की थी। तो ये गाना भी हिट रहा था क्योंकि लता मंगेशकर की जो सुरीली आवाज, उससे सारे गाने हिट ही रहते हैं। जिंदगी इतिहास लेती है, कमलेश, अथवाशी, अनवर, सुमन, कालनियापुर। तो ये गाना इन गायकों ने गाया था। तो मतलब ये गाना भी हिट ही रहा था क्योंकि पूरी नसीब की पूरी प्लेलिस्ट थी बहुत बढ़िया गई थी। तो ये सारे गाने इसमें बहुत ज्यादा हिट रहे थे। तो फिर अब हम भी बात करते हैं इसकी कमाई देखने की। तो मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए फिल्मों के गीतों में से एक है जोनी जानी जनार्दन। मैं कोई अभिनेत्रियों में ने खेत की भूमिका निभाई है। प्रस्तुतियों में राज कपूर, शम्मी कपूर, रणधीर कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, राजेश रोशन, विजय अरोरा, वहीद रहमान, शर्मिला टैगोर, माला सिन्हा, बिंदु, सिमी गेरेवाल और सपिल कड़पाड़िया शामिल हैं। बरकत फिल्म विशेषराज चगुरपाले के अनुसार उद्घाटन पंक्ति की रचना मनमोहन देसाई ने की थी। यह धुन बाबी के गाने अक्सर कोई लड़का की एक आकर्षण लाइन से प्रेरित थे। स्टार स्टेड गाने को आकर स्टूडियो ने शूट किया गया था और शूटिंग के हफ्ते तक चल थी। शोमैन राज कपूर ने गाने में और शूटिंग में के दौरान अहम भूमिका निभाई। एक सप्ताह का शूट एक भव्य कार्यक्रम था। तो चलिए दोस्तों इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं। तो फिल्म एक ओल्ड टाइम अनुभव थी जिसे ट्रेड गाई बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पत्रिका द्वारा उस समय का सर्वोच्च न्याज आज के काल में टाइम ब्लॉकबस्टर के बराबर मिला और उन दुर्बल फिल्मों में से एक थी जो पत्री क्षेत्र में 1 करोड़ को पार कर गई थी और नसीब में से एक थी। तो दोस्तों इस फिल्म के नामांकन और पुरस्कारों की बात करते हैं। तो इस फिल्म ने खाली एक ही पुरस्कार जीता है जो कि हेमा मालिनी को मिला था। वो है फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जो कि हेमा मालिनी को मिला था। तो दोस्तों ये थे नसीब मूवी के फुल फैक्ट्स एंड रिव्यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, उसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो गाइस मैं आपके ऐसी बहुत सारी वीडियो लेते आते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जिसका नाम है मूवी मस्ती। तो गाइस अब जब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बात करते हैं अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 40 78। इलाहाबाद से
ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। तो राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहंशाह की बॉलीवुड, मिलेनियम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहंशाह है, तो इनका नाम, एक दूसरा नाम भी है इनका, बॉलीवुड शहंशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का, 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, और इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोएट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोएट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और करोडियम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणाल सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस, जब ये थे, इनका जो हुआ था, मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में हुआ था, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप, मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जया का जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहता। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू आता, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी, उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबद्ध शहंशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहंशाह सादी का महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी। वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों से अधिक के करियर में, और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहूल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकन कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण, डू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है।
उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था। मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पटना साहिब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य के और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस मतलब वो बढ़िया मंत्री थे कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया है। अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो गाइस वो बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे। फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनके कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन पर्यटन और संस्कृत पर समितियों में सदी और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस तो थे ये इतने मतलब ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे। बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े मतलब थोड़े साल पहले ही मरे थे। तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते हैं अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 40 78। इलाहाबाद से प्राण ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। तो राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहंशाह की बॉलीवुड, मिलेनियम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहनशाह है, तो इनका नाम एक दूसरा नाम भी है इनका बॉलीवुड, शहनशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, उसे देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस। और इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोइट थे। हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोइट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन।
और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेयरवुड कॉलेज, नैनीताल और करोडियन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणान सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस जब ये थे, इनका जो हुआ था, मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में हुआ था, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप, मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जायका जो इन्होंने रोल करा था, वो बहुत हिट रहता है। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू आता, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबर शहनशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबर में शहनशाह सादी का महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी। वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों से अधिक के करियर में, और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहोल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने वरिष्ठ गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो भाई शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है, और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था, मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पाटना साहेब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य के और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस मतलब वो बढ़िया मंत्री थे, कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया, अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो गाइस वो बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे, फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनका कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन
और संस्कृत पर सीमित सीमितों में सदी और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस तो थे ये इतने, मतलब ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे, बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े, मतलब थोड़े साल पहले ही मरे थे, तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते हैं अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा, मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 78। इलाहाबाद से ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। तो राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहनशाह की बॉलीवुड, मिलेनियम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहनशाह है, तो इनका नाम, एक दूसरा नाम भी है इनका, बॉलीवुड शहनशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो ये इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का, 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, अब इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोइट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोइट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और करोडियम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणान सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस जब ये थे, इनका जो हुआ था, मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में हुआ था, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप, मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जा का जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहा था। तो जब फिर इनका 69 से करियर शुरू हुआ था, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबद्ध शहनशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहनशाह सादी का महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी। वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों के
से अधिक के करियर में और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहोल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकन कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस, 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था, मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पटना साहिब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस, मतलब वो बढ़िया मंत्री थे कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया, और अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो गाइस, ये बहुत बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे, फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनका कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन, पर्यटन और संस्कृत पर सीमितों में सदी, और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस, तो थे ये इतने मतलब, ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे, बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस, हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े मतलब थोड़े साल पहले ही मरे थे, तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस, हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते हैं अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 40 78। इलाहाबाद से ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। तो राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहनशाह की बॉलीवुड, मिलेनियम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहनशाह है, तो इनका नाम, एक दूसरा नाम भी है इनके, बॉलीवुड शहनशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो
इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का, 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, और इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोएट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोएट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और करोडियम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणान सेन की फिल्म भवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस, जब ये थे, इनका जो हुआ था, मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में हुआ था, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप, मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जायका जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहता। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू आता, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी, उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबद्ध शहंशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहंशाह सादी का महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी, वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों से अधिक के करियर में और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहोल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने पुरुष गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस, 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत
बढ़िया हैं और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था, मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पटना साहिब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 की लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य की और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस मतलब वो बढ़िया मंत्री थे कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया है अटल वाजपेयी की सरकार में भी थे। तो गाइस ये बहुत बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे। फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनका कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन पर्यटन और संस्कृत पर सीमितों में सदी और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस तो थे ये इतने मतलब ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे। बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े साल पहले ही मरे थे। तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते हैं अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट हैं ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 78। इलाहाबाद से ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था इलाहाबाद के अंदर जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। तो राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहंशाह की बॉलीवुड, मिलेनियम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहनशाह है, तो इनका नाम एक दूसरा नाम भी है इनका बॉलीवुड, शहनशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो ये इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, और इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोएट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोएट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते थे, इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था जैसे मैंने आपको बताया 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और करोडियम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणाल सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस जब ये थे, इनका जो हुआ था
मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में होता है, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जया का जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहता। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू आता, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबद्ध शहनशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहंशाह सादी का महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी। वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों से अधिक के करियर में और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहोल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकन कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने वर्ष गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण, यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है, और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था, मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पाटना साहेब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य के और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस मतलब वो बढ़िया मंत्री थे, कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया, अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो गाइस ये बहुत बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे, फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनके कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन, पर्यटन और संस्कृत पर सीमितों में सदी, और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस तो थे ये इतने मतलब, ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे, बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े मतलब थोड़े साल पहले ही मरे थे, तो
तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइज हम अभी बात करते हैं अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 78। इलाहाबाद से प्राण ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। तो राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहनशाह की बॉलीवुड, मिले नेम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहनशाह है, तो इनका नाम एक दूसरा नाम भी है इनका बॉलीवुड, शहनशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो ये इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, अब इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोइट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोइट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और करोडियम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरान सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस जब ये थे, इनका जो हुआ था मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में हुआ था, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जा का जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहा था। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू आता, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी, उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबद्ध शहनशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहनशाह सादी का महायानक, महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी, वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए 5 दर्शकों से अधिक के करियर में, और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहोल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनेत्री
श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस, 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था, मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पटना साहिब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस, मतलब वो बढ़िया मंत्री थे कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया है। अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो गाइस, वो बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे। फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनका कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन, पर्यटन और संस्कृत पर सीमितों में सदी और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस, तो थे ये इतने मतलब ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे। बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस, हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े मतलब थोड़े साल पहले ही मरे थे, तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस, हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते हैं अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 40 78। इलाहाबाद से प्राण ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। तो राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहंशाह की बॉलीवुड, मिलेनियम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहनशाह है, तो इनका नाम, एक दूसरा नाम भी है इनके, बॉलीवुड शहनशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो ये इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए, तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, और इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं।
है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोएट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोइट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और करोडियम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणान सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस जब ये थे, इनका जो हुआ था मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में हुआ था, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर दीवार और शोले, तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जया का जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहा था। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू हुआ था, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबद्ध शहंशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहंशाह सादी का महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी, वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों से अधिक के करियर में और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहोल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकन कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने वरिष्ठ गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण, यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है, और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था, मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पाटना साहेब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जो
जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस मतलब वो बढ़िया मंत्री थे कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया है अटल वाजपेयी की सरकार में भी थे। तो गाइस बहुत बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे। फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनके कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन पर्यटन और संस्कृत पर सीमितों में सदी और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस तो थे ये इतने मतलब ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे। बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े साल पहले ही मरे थे। तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते हैं अपनी फिल्म के अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 78। इलाहाबाद से प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था इलाहाबाद के अंदर जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। तो राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन शहनशाह की बॉलीवुड मिलेनियम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहनशाह है तो इनका नाम एक दूसरा नाम भी है इनका बॉलीवुड शहनशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो ये इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन 400 मिलियन का 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस अब इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोएट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी तो बहुत बढ़िया थे ये पोएट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था तो इनका जन्म हुआ था जैसे मैंने आपको बताया 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल और करोडियम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणान सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस जब ये थे इनका जो हुआ था मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में हुआ था जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी जैसे आप मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जायका जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहा था। तो जब फिर इनका 69 से करियर शुरू हुआ था तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की और हिंदी फिल्मों
में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबंध शहंशाह के बॉलीवुड अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहंशाह सादी का महायानक महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता मिलियन स्टार या बिग बी वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए 5 दर्शकों से अधिक के करियर में और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहूल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने वरिष्ठ गायक फिल्म निर्माता टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की जैसे हमने अभी बात करी तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था। मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पटना साहिब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य के और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस मतलब वो बढ़िया मंत्री थे कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया है। अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो गाइस वो बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे। फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनका कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन पर्यटन और संस्कृत पर समितियों में सदी और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस तो थे ये इतने मतलब ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे। बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े मतलब थोड़े साल पहले ही मरे थे। तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते हैं अपनी फिल्म के अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 40 78। इलाहाबाद से ब्रिटिश भारत वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत।
इनका जो हुआ था जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहनशाह की बॉलीवुड, मिलेनियम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहनशाह है, तो इनका नाम, एक दूसरा नाम भी है इनका, बॉलीवुड शहनशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का, 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत, श्वेता बच्चन नंदा। तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, और इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोएट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोएट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते थे, इनकी माँ का नाम था केजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1952 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और करोडियम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणाल सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस, जब ये थे, इनका जो हुआ था, मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में हुआ था, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप, मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जा का जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहा था। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू हुआ था, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबद्ध शहनशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहनशाह सादी का महायानक, महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी। वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों से अधिक के करियर में, और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहोल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनेत्री श्रेणी में सबसे अधिक नामांकन कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में
कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था। मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पटना साहिब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस मतलब वो बढ़िया मंत्री थे कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया है अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो गाइस ये बहुत बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे। फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनका कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन पर्यटन और संस्कृत पर सीमितों में सदी और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस तो थे ये इतने मतलब ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे। बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े साल पहले ही मरे थे। तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 78। इलाहाबाद से प्रांत ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहंशाह की बॉलीवुड, मिले नेम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहनशाह है, तो इनका नाम एक दूसरा नाम भी है इनके बॉलीवुड, शहनशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, और इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोएट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोएट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन।
और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था, जिसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल और करोडियम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणान सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस जब ये थे, इनका जो हुआ था मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में होता जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जाय का जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहता। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू आता, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबद्ध शहंशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहंशाह सादी का महायानक महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता मिलियन स्टार या बिग बी। वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों से अधिक के करियर में और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहूल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने वरिष्ठ गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण, यू वांट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है, और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था, मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पटना साहिब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस मतलब वो बढ़िया मंत्री थे, कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया, अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो गाइस वो बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे, फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनका कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन प्रधान
और संस्कृत पर समितियों में सदी और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस तो थे ये इतने मतलब ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे, बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े साल पहले ही मरे थे, तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो होता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 78। इलाहाबाद से ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहंशाह की बॉलीवुड, मिलेनियम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहंशाह है, तो इनका नाम, एक दूसरे नाम भी है इनके, बॉलीवुड शहंशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये। तो इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन का, 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, और इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोएट थे। हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोएट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और करोडियम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणान सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस जब ये थे, इनका जो हुआ था मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में होता, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप, मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जाय का जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहता। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू हुआ था, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में, संबद्ध शहंशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहंशाह, सादी का महायानक, महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी। वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों
अधिक के करियर में और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहोल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकन कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस, 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो भाई, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बढ़िया है, और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था, मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पटना साहेब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य के और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस, मतलब वो बढ़िया मंत्री थे, कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया, और अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो राजा बहुत बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे। फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनका कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन, पर्यटन और संस्कृत पर सीमितों में सदी, और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस, तो थे ये इतने मतलब, ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे, बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस, हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े मतलब थोड़े साल पहले ही मरे थे, तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइज, हम अभी ऋषि कपूर के बारे में बात करते अपनी फिल्म के, अपने जैसे हीरो हैं हीरोइन के बारे में। तो सबसे पहले हीरो हीरोइन में आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें जाना जाता है बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा हिट है ये। तो अमिताभ बच्चन का जन्म जो आता कि वो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942। उनकी उम्र है 40 78। इलाहाबाद से प्राण ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत। तो इनका जो हुआ था जन्म, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था इलाहाबाद के अंदर, जब ब्रिटिश राज था। ये 1942 में हम आजाद नहीं हुए थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। दूसरा नाम है इनका एंग्री यंग मैन, शहंशाह की बॉलीवुड, मिले नेम स्टार और बिग बी। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये बॉलीवुड के शहंशाह है, तो इनका नाम, एक दूसरा नाम भी है इनका बॉलीवुड, शहंशाह के बॉलीवुड। तो मतलब ये इतने अच्छे थे ये।
तो इनका ये सब था कि इनका कुल मूल्य 400 मिलियन, 400 मिलियन गाइस, 400 मिलियन 2020 में था। अब आप बता सकते हैं कि कितने बढ़िया हैं ये। तो इनके बच्चे की बात करी जाए तो इनके बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, जिनकी अभी अभी मूवी आ रही है बिग बुल, से देखना भूलना मत। श्वेता बच्चन नंदा, तो ये इनके दो बेटे हैं। ठीक है गाइस, और इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है हरीश राय बच्चन। ये एक बहुत बढ़िया पोएट थे। हमने हमारे मतलब हमने बहुत सारी पोएम सुनी है इनकी, तो बहुत बढ़िया थे ये पोएट इनके। और इनके माँ के बारे में बात करते तो इनकी माँ का नाम था तेजी बच्चन। तो बच्चन आ गया था, तो इनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, 1942 में इलाहाबाद के हिंदी कवि हरीश वंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल और करोडियम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। उनका फिल्म करियर 1969 में मरणान सेन की फिल्म भुवन शेम के आवाज कथाकार के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस, जब ये थे, इनका जो हुआ था मतलब इनका जो फिल्म करियर शुरू हुआ था 1969 में हुआ था, जब इंडिया आजाद था। तो इनकी मतलब जो इन्होंने 1970 में कुछ बढ़िया फिल्म करी थी, जैसे आप मैं बताऊं कि आप 90 जंजीर, दीवार और शोले। तो मतलब जो शोले फिल्म में इन्होंने जो जाय का जो इन्होंने रोल करा था वो बहुत हिट रहा था। तो जब जब फिर इनका 69 से करियर शुरू आता था, तो इन्हें सेवन जब शोले फिल्म आई थी 1970 में, तो जब इन्हें कोई जानता नहीं था, पर जब भी शोले फिल्म बहुत हिट रही थी, जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय हासिल की, और हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में भी उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया के रूप में संबद्ध शहंशाह के बॉलीवुड। अपने 1988 के फिल्म के संबंध में शहंशाह सादी का महायानक महायानक हिंदी में सदी में सबसे महान अभिनेता, मिलियन स्टार या बिग बी। वह के बाद 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए, 5 दर्शकों से अधिक के करियर में और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्ध पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फिल्म के पुरस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार शामिल हैं। उसने साहूल जीता था फिल्म फेयर पुरस्कार, और फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकन हैं। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन पुरस्कर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो फ्रेंची के भारत के संस्करण यू वंट्स टू बी अ मिलियनर के कई सीजन में मेजबानी की है। उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। तो गाइस, 1980 में जैसे उन्होंने राजनीति करी थी, तो मतलब उनकी राजनीति में इतने हिट नहीं थे वो। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट की बात करने चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है अमिताभ बच्चन की, जैसे हमने अभी बात करी, तो हम अब दूसरी फिल्म करेक्टर की बात करते, तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत
बढ़िया है और उन्होंने कई फिल्मों में बहुत बढ़िया रोल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था, मतलब ये अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिक हैं। वह पटना साहिब और राज्यसभा में भी हैं। 1996, 2002, 2002 से 2008 के लोकसभा, 2009 से 2014, 2014 से 2019 के सदस्य थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के केंद्र स्वास्थ्य के और परिवार कल्याण के जहाजारी मंत्री थे। तो गाइस मतलब वो बढ़िया मंत्री थे कि वो उन्होंने मतलब बढ़िया 2019 तक उन्होंने रोल किया है और अटल वाजपेयी के सरकार में भी थे। तो गाइस वो बढ़िया मतलब अभिनेता भी थे। फिर ये सरकार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनहाजारी मंत्री भी थे। तो मतलब ये इतने बढ़िया थे कि इनका कोई जवाब नहीं। तो ये परिवहन पर्यटन और संस्कृत पर समितियों में सदी और विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तो गाइस तो थे ये इतने मतलब ये बॉलीवुड में भी सितारे रहे थे। बाद में इन्होंने इतना सब कुछ करा था तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बढ़िया थे। तो अब गाइस हम बात करते हैं ऋषि कपूर के बारे में। मतलब ऋषि कपूर तो अभी अभी थोड़े मतलब थोड़े साल पहले ही मरे थे। तो पर ऋषि कपूर इतने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो गाइस हम अभी ऋषि कपूर के बारे में 1996 और आशा 1980 के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार श्रेणी में नामांकन प्राप्त कर चुकी हैं। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1957। उम्र थी इनकी 64 और इनका हुआ था बॉम्बे मतलब मुंबई में और महाराष्ट्र इंडिया। तो ये व्यवसाय इनके क्या था, ये थी अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष इन्होंने मतलब 1972, 1985 और 1999 से 1920। ऊंचाई इनकी ठीक है। तो दोस्तों चलो अब हम इनके बारे में थोड़ी और जानकारी करते हैं। तो रीना राय का जन्म साली अली एक छोटे समय की अभिनेत्री सादिक अली की तीसरी बेटी और श्रद्धा राय से हुआ था, जिन्हें फिल्म बावरे नैन के अभिनय किया था। बाद में फिल्म गुलेर कौन का निर्माण किया। उसे तीन भाई बहन हैं, जिन्हें माता पिता के तलाक के बाद पिता को त्याग दिया। तलाक के बाद उन्होंने माँ ने चारों बच्चों का नाम बदल दिया, उनका नाम बदलकर रूपा रॉय रख दिया, जिसे उनकी पहली फिल्म जरूरत के निर्माता रॉय ने बदल दिया। उन्होंने किशोरावस्था में ही फिल्मों का अभिनय करना शुरू कर दिया। उसने उन रिपोर्टरों पर विवाद किया कि फिल्मों में प्रवेश करने करने का उसका निर्णय उसकी माँ और भाई बहनों की अधिक रूप से सम्मान देने का था। तो दोस्तों बात करते हैं हमारी दूसरी हीरोइन के बारे में। तो हमारी दूसरी हीरोइन है किम। दोस्तों अब इनके बारे में बात करते हैं। तो जो किम थी, किम यशपाल के नाम से भी उन्हें किम है, जो जिन्हें किम यशपाल के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व भारतीय अभिनेत्री हैं और मॉडल, जिन्हें के दशक से शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए पहचाना जाता था। और शुरुआत हिंदी सिनेमा में उनके पहचान थे। फिर वही रात
1980 और डिस्को डांसर 1982 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं को छोड़कर उन्हें सहायक भूमिकाओं में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। बाद में फिल्म उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तो दोस्तों, हमारी नसीब मूवी के फुल फैक्ट्स एंड रिव्यू यहीं खत्म होते हैं। तो दोस्तों, जब तक के